परिवहन निगम की दो बसों में हुई टक्कर की घटना में एक बस के चालक की मौत हो गई, जबकि करीब चार दर्जन यात्री घायल हुए हैं। इनमें से तीन चार की हालत तो नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। यह दुर्घटना मंगलवार की रात रानी की सराय और गंभीरपुर थानों के सरहदी गांव अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर के पास हुई। आशंका जताई जा रही है कि किसी एक चालक को नींद आ जाने के कारण ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के चेहरे पर दुर्घटना की दहशत साफ दिख रही थी। यात्री रामविलास ने बताया कि दोनों बसों की आमने सामने टक्कर हुई। क्या हुआ सर? एक्सीडेंट दो बस रोडवेज की दो बस आगे सामने टकराए। कितने लोग घायल हुए सर? आइडिया है? हमारी बस की तो सारे लोग घायल हुए, 30-40 के लोग होंगे, सारे लोग घायल। ड्राइवर लगता है वो एक फोर डेथ हो गए होंगे, और बाकी तीन चार लोग काफी सीरियस है। दुर्घटना की खबर मिलते ही कई थानों की पुलिस के अलावा प्रशासनिक अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल यात्रियों को जिला अस्पताल भेजवाया गया। यहां मौजूद सीओसीटी सच्चिदानंद ने बताया कि परिवहन निगम की एक बस दोहरी घाट डिपो की थी, जबकि दूसरी बस सिविल लाइंस डिपो की। पुलिस घायलों का इलाज करा रही है, बसों को मौके से हटाने का भी प्रयास हो रहा है। घटना है और मौके पर जब पहुंचने के बाद से पता चला है कि जो दोहरी घाट डिपो का जो ड्राइवर था वो मौके पे एक्सपायर कर गया है, और 11 लोग लगभग चोटिल हैं, जिसमें तीन की हालत जो है गंभीर है, और अभी इलाज जो है सभी सदर हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ पे इलाज चल रहा है। सर, मौके पे जाम भी लगाया गया? जाम इसलिए लगाया कि दोनों बसें आपस में टकरा गई हैं, और वो JCB वगैरह का व्यवस्था किया जा रहा है, उसे हटवाया जाएगा। तबरपुर ब्लॉक के चकवारी गांव में सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने गांव वालों से मिलकर उनका हाल भी जाना। पूछा कि वृद्धा, विधवा, विकलांग समेत अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल रहा है या नहीं। बुधवार को गांव वालों के बीच आए जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि सरकार खुले में शौच मुक्त गांव के लिए घर घर शौचालय की योजना चला रही है, इसका लाभ गांव वाले उठाएं। उन्होंने सरकारी अफसरों को निर्देश दिया कि लेखपाल, सेक्रेटरी और प्रधान गांव में कैंप लगाकर पात्र लाभार्थियों का आय प्रमाण पत्र बनवाएं और सभी सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन फॉर्म भरवा दें। भ्रमण कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, CMO SK तिवारी समेत कई वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। ढेर सारे रास्ते तलाश कर जनता से टैक्स पर टैक्स बटोर रही मोदी सरकार जनता को कभी मुसम्मी तो कभी नींबू की तरह निचोड़ रही है। नोटबंदी के बाद GST यानी लाखों नए टैक्स देने वाले तैयार। इतने पर भी जी नहीं भरा तो अब महिलाओं के किचन पर नजर लगाई है। चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार रसोई गैस के सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने जा रही है। गृहणियां बेचैन हो उठी हैं। घर का बजट बिगड़ा तो बहुत कुछ बिगड़ेगा, यही बात महिलाएं सरकार को समझाना चाहती हैं। रसोई गैस की सब्सिडी खत्म करने की खबर पर आजमगढ़ की महिलाएं क्या कहना चाहती हैं, यही जानने के लिए ABC चैनल ने बात की कुछ गृहणियों से। शिक्षिका जस्सी ब्राडवे बताती हैं कि पूरे घर का बजट बिगड़ेगा, गरीब ही नहीं मध्यम वर्गीय परिवार भी परेशान होंगे, तो क्या हम लोग अब खाना भी ढंग से पकाकर न खाएं? नहीं, गरीबों की बात नहीं है, सब पर असर पड़ेगा।
और दूसरी बात यह कि सरकार का कोई स्थिरता नहीं है, कभी बढ़ाती है कभी घटाती है। अरे एक चीज तुम डिसाइड कर लो ताकि लोग अपना माइंड मेकअप करके उसी तरीके से अपना खर्च निकालें या जो भी करें। और ये सब्सिडी हट जाने से अगर 400-500 रुपया बढ़ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम अच्छे से पका के खाना ना खा सकें तो और अब क्या कर सकते हैं। कम से कम जो डेली की चीज है, खाने पीने की चीज है, गैस है, ये सब तो सस्ती होनी चाहिए। और चीजों पर आप दाम बढ़ाइए तो कोई बात नहीं है। शहर की रहने वाली सुमन अस्थाना ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, कहा कि गैस सब्सिडी खत्म नहीं करना चाहिए, सरकार इसे गंभीरता से सोच ले, यदि खत्म हुई तो बहुत कुछ हटेगा, यानी सरकार भी हट सकती है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार तो सिलेंडर ले ही नहीं पाएंगे, उनके घर चूल्हा कैसे जलेगा। तो डबल एक्सपेंस आएगा ऐसे, क्योंकि गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, उन पे जो उनका बजट है वो विशेष रूप से प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है सब्सिडी खत्म होने से बहुत ज्यादा ये एक्सपेंस पड़ेगा महिलाओं के ऊपर, और उनका बजट निश्चित रूप से प्रभावित होगा कि उनके जो है रख रखाव में या फिर उनके अन्य व्यवस्थाओं में जो है रुकावटें आएंगी और वह झेल नहीं पाएंगे, हमारा जहां तक अनुमान है, सोच है। इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पूर्वी उत्तर प्रदेश ममता द्विवेदी का बुधवार को जनपद आगमन हुआ। क्लब की आजमगढ़ इकाई ने उनके जनपद आगमन पर उनका अभूतपूर्व स्वागत सम्मान किया। अपने विजिट के दौरान क्लब के द्वारा आजमगढ़ में किए जा रहे कार्यों की उन्होंने समीक्षा की, साथ ही क्लब के स्वावलंबन, हम और हमारे संस्कार, हरियाली और मुस्कान प्रोजेक्ट के प्रगति की भी समीक्षा की। इसके पूर्व क्लब की सदस्याओं के साथ उनके द्वारा गोद लिए गए नगर क्षेत्र के नर्सरी प्राथमिक विद्यालय बड़ादेव सभी लोग पहुंचे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। यहां क्लब द्वारा निर्मित व सुदृढ़ किए गए शौचालय का उन्होंने उद्घाटन किया। विद्यालय के बच्चों के बीच यहां क्लब की सदस्याओं ने लंच बॉक्स व वाटर बोतल गिफ्ट किए। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत क्लब ने विद्यालय को कूड़ेदान की भी सौगात प्रदान की। इसके बाद सिविल लाइन क्षेत्र में क्लब के आयोजित हुए कार्यक्रम के बीच चेयरपर्सन ममता द्विवेदी ने क्लब द्वारा गोद ली गई बच्ची की शिक्षा के लिए उसे 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया। एक बालिका को साइकिल व 3 बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए 6-6 महीने की फीस भी भेंट की। यहाँ चेयरमैन विजिट पे आई हूँ इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ में, और यहाँ हमारे अध्यक्ष सचिव सबको गाइड करने के लिए कि हमारे प्रोजेक्ट हैं 4, स्वावलंबन, महिलाओं को स्वावलंबित करना, हम और हमारे संस्कार। जैसा कि बच्चों में आज के ज़माने में, आज के समय संस्कार की बहुत ज़रूरत है। तीसरा हमारा है हरियाली, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। चौथा है हमारी मुस्कान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो हमारे मोदी जी की थीम है उसी के तहत हमारी मुस्कान में लड़कियों को फीस देना, लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को आगे बढ़ाना, साथ ही में हमारी संस्था का नाम समाज में बढ़ाना, ब्रांडिंग इनर व्हील का काम। ये हम इन महिलाओं को बताने के लिए आए हैं कि आपको समाज में अपने क्लब के द्वारा समाज में किस तरह से काम करना है। और आज यहाँ की अध्यक्षा ने, सचिव ने, यहाँ की पुरानी मेंबर चार्टर रीता जी ने, और वहाँ पे बच्चों को टिफिन पानी की बोतल दी। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री की थीम है शौचालय बनवाना, वहाँ विद्यालय में इन्होंने 2 शौचालय बनवाए हैं बच्चों की सुविधा के लिए, और आगे निरंतर ये लोग इसी तरह काम करें, मुझे यही उम्मीद है। लापरवाही, भ्रष्टाचार और ढेर सारी खामियों के साथ बनकर तैयार हुए आजमगढ़ के इकलौते ओवर ब्रिज की हालत एक बार फिर बिगड़ गई है।
बारिश के चलते पुल में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें फंसकर कभी भी कोई बड़ी गाड़ी पलट सकती है। हैरत तो ये है कि इस स्थिति को देखते हुए भी जिम्मेदार अफसर कान में तेल डालकर सो रहे हैं। बुधवार को रेलवे ओवरब्रिज की दशा दुर्दशा एबीसी चैनल की टीम ने भी देखा। यहां मौजूद राहगीरों से, स्थानीय नागरिकों से जब बात की गई तो लोगों को लगा कि जैसे उनकी बात सुनने वाला कोई मिल गया हो। लोगों ने जमकर अपने मन का गुबार ही निकाल दिया। जरा सुनिए राहगीर सुरेश चंद्र शर्मा ने कैसे बयां की बिलैसा रेलवे ओवरब्रिज की दशा और दुर्दशा का हाल। ओवरब्रिज थोड़ा बना है, ये तो नाला बना है, एकदम नहर टाइप का बना है। इसमें जितना कमी है, ये तो 5-6 साल में बना। एक आजमगढ़ का एकलौता भी ब्रिज है, 5-6 साल लगा बनने में, वो भी नाला नहर बन गया है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, बीच बीच में जो डस्ट प्लेट लगा है वो स्क्रैप माल लगाए हैं सब प्लेट का, पर डे टूटता है, उठ जाता है, और नीचे जो है डब डब गाड़ी जाती है। अभी हमने आ रहा था जो है ओवर ब्रिज में गड्ढा हो गया है, पूरा नीचे पोल हो गया है। अब पोल में कभी भी, मैं तो रुक के ईटा रखा वहां पर 8-10 ठो, कोई भी 2 चक्का या 4 चक्का कोई भी गाड़ी जाएगी, भयंकर एक्सीडेंट होगा, वो मरेगा, बचेगा नहीं। ये स्थिति है ओवर ब्रिज की, और इसमें इतना गर्दा जम जाता है, इसमें इतना उभड़ खाबड़ हो गया है। कोई इसमें समझ लीजिए एकलौता ऐसा ओवर ब्रिज है कि ऐसा मैं पूरा प्रदेश घूम चुका हूँ, कई प्रदेश गया हूँ, ऐसा ओवर ब्रिज आज तक नहीं देखा जो स्थिति इसकी है। यानी पुल नहीं, जैसे नहर और नाला बना दिया गया है, इतना सकरा की जान पर खेल कर लोग गुजरते हैं। इस समय तो जैसे जान लेने का मुकम्मल इंतजाम ही कर दिया गया है। कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं दिनेश कुमार। उन्होंने बताया कि बड़ी आशाएं थी इस इकलौते पुल से। यह ओवरब्रिज एक आजमगढ़ में पहला ओवरब्रिज बना था, लोगों को काफी आशाएं थी, लेकिन प्रशासनिक काम इस कदर हुआ प्रशासन की लापरवाही कि हम पुल न बन के एक प्रकार का गलियारा बन गया, न फुट ओवर ब्रिज न कुछ, और आए दिन गड्ढा। इसमें जो स्क्रेप लगा दिए सब, रात में कोई सो नहीं सकता, 2 गाड़ियां आ जाए, कोई बाइक सवार हो तो उसको समझ में आता मैं जाऊं किधर से, इतना पतला सकरा पुल है। अभी देखिए पिछली बरसात में इतना बड़ा गड्ढा हो गया था, इस बरसात में भी हल्की बारिश नहीं झेल पाया। इसी रास्ते से सारे मुख्यमंत्री नेता वगैरह सब जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ कभी नहीं गया। आजमगढ़ के बिलैसा रेलवे ओवरब्रिज की दशा सुधर जाए तो लोग खुश हो जाएं और यात्रा सुगम हो जाए, लेकिन ऐसी गाड़ियों में बैठकर निकल लेने वाले अफसर जाग जाएं तब तो। देखते रहिए एबीसी चैनल। जनपद के प्रतिष्ठित महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक प्रवेश परीक्षाएं बुधवार को संपन्न हो गईं। 2 दिनों की 2-2 पालियों में आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत मंगलवार को स्नातक कला वर्ग में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। स्नातक की 840 सीटों के सापेक्ष प्रवेश परीक्षा में 926 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जबकि 52 अनुपस्थित रहे। बुधवार को स्नातक विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतु 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया। प्रथम पाली में बीएससी बायोलॉजी व मैथ की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई तो सेकेंड मीटिंग में वाणिज्य संकाय की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। बीएससी बायो की प्रवेश परीक्षा में 221, बीएससी मैथ की प्रवेश परीक्षा में 276 और बीकॉम की प्रवेश परीक्षा में 324 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुचिता श्रीवास्तव ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया गया। कल बीए की प्रवेश परीक्षा थी और आज जो है वो बीएससी बायो और मैथ फर्स्ट मीटिंग में हुई है, सेकेंड मीटिंग में बीकॉम की। कल जो है बीए में मूल सीट जो है 840 थी, जिसमें 926 लड़कों ने फॉर्म भर, 926 इसमें प्रेजेंट थे और 92 एबसेंट हैं। मूल सीट 840 थी और बीएससी बायो में कुल मिलाकर के 264 लड़कों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 221 उपस्थित थे, 43 अनुपस्थित थे।
बीएससी मैथ में 340 लड़कों ने फॉर्म भरा था जिसमें 276 प्रेजेंट थे और 64 एबसेंट थे। बीकॉम में 324 कुल लड़के जो है अपीयर हुए हैं एग्जाम में। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगी, एसएसआई साहब से बात हुई थी और कोतवाल साहब ने जो है वो फोर्स की व्यवस्था करवाई है। एक गांव की दबंगई व जबरदस्ती से दूसरा गांव परेशान है। दो गांवों में इन दिनों दुश्मनी का माहौल है। चार पांच बार दो गांवों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो चुकी है। किसी फिल्मी पटकथा सा यह मामला जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रायपुर काजी व मरबूपुर गांव का है। दोनों गांवों की ग्राम सभा एक है लेकिन दिल एक नहीं। रायपुर काजी के ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप बताया कि खंभों से तार खींचने को लेकर दोनों गांवों में विवाद उत्पन्न हुआ है जिसको लेकर दोनों गांव इस समय आमने सामने हैं। दोनों गांवों में खंभे गड़े हैं लेकिन मरगोपुर गांव वाले रायपुर काजी गांव से ही अपने अपने तार कटिया कनेक्शन के जरिए खींच रहे हैं जिसको लेकर दोनों गांवों में तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग की है कि उनके गांव से कटिया कनेक्शन कर रहे दूसरे गांव के लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनके तार उनके गांव की लाइट से ही जोड़े जाएं। ये लोग बिजली का खंभा है जबकि वहां से तार कट गया है, ट्यूबवेल का तार कट गया है, ये लोग जोर जबरदस्ती से वहां लाइन ले जा रहे हैं। अब बोलने पर चार बार हो गया ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और अभी दो चार दिन की बात है मार दिए हैं चार पांच आदमियों का सर अथवा फट गया है। हम लोगों का अनुरोध यही है कि वहां से इन लोगों की लाइन कट जाए जबकि इन लोगों के दरवाजे पर सर्किल वाई सर्किल बिजली का खंभा लगा हुआ है। इन लोगों के लिए व्यक्तिगत लाइन मिली हुई है, इन लोगों के लिए व्यक्तिगत लाइन राजीव गांधी खंभे से मिली हुई है। मरगूपुर गाँव के आदमी है, गाँव सभा एक है बाकी मरगूपुर के आदमी है।